हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। कुक फैक्ट्री में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक सिंपल और इजी सा नाश्ता बताऊंगी जो आप सुबह झटपट बना सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि इसे आप 10 मिनट में बना सकते हैं या 5 मिनट में बना सकते हैं, इसे मिनिमम हाफ एन आवर लगता है बनाने को, मगर ये बहुत इजी और सिंपल तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी और इसमें ज़्यादा भी कुछ इन्ग्रीडियंट्स नहीं लगेंगे। आप देख सकते हैं ये हमने उत्तपा बनाया है सिर्फ रवे का, और आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और कितना जालीदार हुआ है। इसमें मैंने एक बूंद भी ऑयल नहीं यूज़ किया है, ये बिना ऑयल के हमने बनाया है। तो चलो इसे देखते हैं कि इसे कैसे आप घर में बना सकते हैं और इसे आप टिफ़िन में भी दे सकते हैं। आइए पहले हम देख लेते हैं कि इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स लगेंगे या इन्हें क्या क्या सामग्रियाँ लगेगी। यहाँ पर हम लेंगे 1 कप जितना रवा, 2/3 कप हम लेंगे खट्टा वाला दही, हरी मिर्च लिए मैंने 4 बड़ी जो मैंने चॉप करके लिए, नमक लेंगे हम स्वाद अनुसार और 1 टेबलस्पून जितना इनो। मिक्सिंग जार ले लिया है यहाँ पे मैंने, इसमें हम रवा ऐड कर लेंगे, दही भी ऐड कर लेंगे हम इसमें। मैंने यहाँ पे हरी मिर्च ली है और आप चाहें तो अदरक भी इसमें यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसमें पानी डाल दूँगी मैं थोड़ा, जितना मैंने दही लिया है वही माप का 2/3 पानी डाल दूंगी ताकि हम जब ग्राइंड करें रवा तो अच्छे से मिक्सचर में ग्राइंड हो जाए। नमक डाल दिया है मैंने स्वाद अनुसार, हरी मिर्च भी हम इसमें ऐड कर लेंगे और इससे मैं ढक्कन लगा लूंगी और अच्छे से इसका पेस्ट बना लेंगी। मैंने जो यहाँ पे रवा लिया है वो मैंने नॉर्मल रवा लिया है जो हम उपमा बनाने के लिए यूज़ करते हैं। आप चाहें तो आप पतला वाला जो बारीक रवा आता है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके घर में वो अवेलेबल हो तो आप वो भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये अच्छे से हमारा ग्राइंड हो चुका है। अब मैं आपको ढक्कन खोल के बता देती हूँ। आप देख सकते हैं अच्छे से ग्राइंड हो चुका है, अच्छे से पेस्ट बन चुकी है रवे की। आप चाहें तो इसमें अदरक और जीरा भी ऐड कर सकते हैं, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब हम यहाँ पे एक बर्तन ले लेंगे और जो हमने बैटर बनाया है वो इसमें ऐड कर लेंगे। अब हमें इसे ढक के 10 मिनट तक साइड में रखना है ताकि जो रवा है वो अच्छे से फूल जाए। अब 10 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं रवा अच्छे से फूल चुका है, एकदम गाढ़ा हो चुका है रवा। पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें मैं ऐड कर लेंगे हम थोड़ा सा पानी, ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है एक साथ, नहीं तो बहुत पतला हो जाएगा, इसलिए आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर लीजिए आपके हिसाब से। अच्छे से मिक्स कर लीजिए उसे, अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं बनाने के लिए इसे रेडी हूँ इसलिए मैं इसमें इनो डाल दूँगी। जब आपको बनाना हो तब भी आप इसमें इनो डालें। इनो के ऊपर मैं 1 चम्मच जितना पानी ऐड कर लूँ ताकि इनो एक्टिवेट हो जाए, ऐसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा बैटर कितना अच्छा फूल चुका है। मैंने साइड में पैन भी रख दिया है गरम होने के लिए। जब हम उत्तपा बना रहे हैं तब पैन हमें एकदम गरम चाहिए, पैन ज़रा भी ठंडा नहीं होना चाहिए, एकदम गरम होना चाहिए। मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाल के इसे अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब इसमें हम बैटर डाल देंगे। ये जो मेजरमेंट मैंने आपको जो बताया है इससे आप 4 मीडियम साइज़ के उत्तपा बना सकते हैं। इससे आप ऑफिस में भी लेके जा सकते हैं, घर में भी, अभी फ़िलहाल लॉकडाउन चल रहा है और सुबह सुबह उपमा पोहा बना से इसे आप कंटाल चुके हों तो आप इसे बना के ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। मिनिमम इसे हाफ एन आवर लगता है, अगर आप इंग्रेडिएंट्स और सब रेडी हो तो आप इसे एट अ टाइम बना सकते हैं, तभी ये 10 मिनट में होगा, नहीं तो इसे हाफ एन आवर लगता ही है बनाने को। जब आप इसे डालें तभी गैस एकदम फास्ट होना चाहिए और जब आप तपा अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए उसके बाद गैस स्लो कर दीजिए।
आप देख सकते हैं इसमें मस्त जाली हुई है, कितनी सॉफ्ट लग रहा है ये, देखने में ही लग रहा है कि बहुत सॉफ्ट बनेगा ये। अब हम इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद मैं 2 से 3 सेकंड ही सिर्फ दूसरी तरफ सेकूंगी, यानी दूसरी तरफ पकने दूंगी उसको। अब आप देख सकते हैं दूसरी तरफ भी अच्छे से पक चुका है। अब मैं इसे निकाल लूंगी, मैं दूसरा भी बना के आपको दिखा देती हूँ। इसमें भी अच्छे से पानी डाल दूंगी मैं और इसे अच्छे से हम क्लीन कर लेंगे। अब जब भी एक बनाने के बाद दूसरा उत्तपा या दूसरा डोसा बनाने वाले हों तो पैन में फिर से थोड़ा पानी डाल के उसे अच्छे से क्लीन कर लीजिए, उसके बाद ही दूसरा डोसा या उत्तपा उसमें डालिए। इसमें मैंने बिल्कुल भी ऑयल नहीं यूज़ किया है, आप देख सकते हैं एकदम ऑयल फ्री उत्तपा है। आपके घर में अगर कोई डाइट करता होगा और ऐसे कुछ अच्छा और चटपटा खाने का इच्छा हुई होगी तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। मैंने अपने चैनल पे मेंदू वड़े की रेसिपी भी डाली हुई है, उसका लिंक मैं आपके साथ आई बटन पे शेयर कर लूँगी, तो आप उसे भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वो भी बहुत टेस्टी बनते हैं। आप देख सकते हैं ये अच्छे से एक साइड से पक चुका है, अच्छी से खूबसूरत सी जालियाँ हुई हैं इसमें। अब हम इसे पलट लेंगे, दूसरी तरफ भी एकदम मस्त ब्राउन कलर हुआ है इसका। अब ये उत्तपा हमारा एकदम रेडी है, अब हम इसे निकाल लेंगे और इसे गर्मा गर्म ही हम सर्व करेंगे। जो हमने मेजरमेंट बनाए थे उससे मेरे 4 मीडियम साइज़ के उत्तपा रेडी हुए, बनके एकदम तैयार है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ब्राउन कलर हुआ है इसका और एकदम जालीदार हुआ है। पीछे की साइड भी इतनी खूबसूरत जालियाँ हुई है और फ्रंट साइड में भी एकदम खूबसूरत इसकी जालियाँ हुई है। ये बहुत 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 सॉफ्ट है, आप इसे एक बार बनाएंगे ट्राई करेंगे तो दूसरी बार ज़रूर बनाएंगे। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप हमसे कोई रेसिपी सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, मैं वो रेसिपी आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी। और लॉकडाउन है, घर में ही रहिए, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।